एट्थ देखिए, एट्थ क्या है, ए एन इज इक्वल टू फोर एंड डी इज इक्वल टू टू, एस एन इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, डी इज इक्वल टू टू, एस एन इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन. सो एन फोर है, डी टू है, एस एन माइनस फोर्टीन है, आपसे पूछ रहा है एन और ए. सो इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डैट इज इक्वल टू फोर एंड माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस फोर, ए प्लस फोर. तो देखिए दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ए एन प्लस फोर एन, ए एन प्लस फोर एन, और इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं ए प्लस टू एन इज इक्वल टू सिक्स, ए प्लस टू एन इज इक्वल टू सिक्स. सो टू एन की जगह पे आप पुट कर सकते हैं सिक्स माइनस ए, टू एन की जगह पे सिक्स माइनस ए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन की जगह पे सिक्स माइनस ए बाई टू, सिक्स माइनस ए बाई टू, और यहाँ पे भी आप एन की जगह पे पुट कर सकते हैं सिक्स माइनस ए बाई टू, तो ये आपका कितना आ जाएगा ट्वेल्व माइनस ए. सो इट विल बी ट्वेल्व माइनस ए और ट्वेल्व माइनस टू ए, ट्वेल्व माइनस टू ए, और आपका ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा प्लस सिक्स ए बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू डैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट. सो यहाँ से आपका ये थ्री ए, सो ये टोटल कितना बन के आएगा ट्वेल्व माइनस ए, ट्वेल्व प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब कितना हुआ ए माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए प्लस फोर्टी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब क्या हुआ माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एटी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस एटी इज इक्वल टू ज़ीरो. अब एटी को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट में, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो टेन और एट, तो ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस टू ए माइनस एट एटी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से आपका ए इंटू ए माइनस टेन हो जाएगा, टेन माइनस एट, सो प्लस एट इंटू ए माइनस टेन. सो ए की वैल्यू या तो आपका माइनस एट या फिर टेन, माइनस एट कॉमा टेन आ जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू, ठीक है. और इसी तरह से आप फिर एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ए के जगह पे, तो टू एन इज इक्वल टू सिक्स प्लस एट बाय ट्वेल्व, टू सिक्स प्लस एट बाय टू दैट इज इक्वल टू फोर्टीन बाय टू दैट इज इक्वल टू सेवन. तो यहाँ से ये नहीं आ रहा है, तो 10 रख के आप पुट कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा. सो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n का एट्थ वाले पोर्शन में, a की वैल्यू ये दोनों आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन,